साथियों, यही वो मॉनिटर लिजार्ड है जो हम लोग लगातार 2-3 घंटे से लगे हुए हैं और काफी देर हम लोगों को लग गई इसे निकालने में। देख सकते हैं कितना बड़ा है और पूरा तंदुरुस्त है, कुछ खाया हुआ है। दोस्तों, हमें लगता है कि कोबरा सांप को जो है अभी नहीं मिला, हो सकता है इसने शिकार कर लिया हो उस कोबरा सांप का, क्योंकि दोस्तों ये सांपों को भी खाते हैं और वैसे तो ये नॉन वेनमस होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन अगर इन्हें खतरा लगे तो जबरदस्त रूप से प्रतिक्रिया करते हैं और बहुत तेज हमला करने में भी सक्षम होते हैं। दोस्तों, अक्सर अंधविश्वास है कि ये जो जीव है ये यदि फूंक देता है तो आपका शरीर भी इसके जैसा हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इसका किस तरह का शरीर है, किस तरह का बॉडी है, तो आपका शरीर भी इस तरह से होता है। तो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, इसके फूंकने से आपको कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पकड़ रहे हैं तो सावधानी से पकड़े, क्योंकि आप इसके पंजे देख सकते हैं कितना तेज नाखून है इसका। अगर ये आपके स्किन में चला जाए तो काफी सारा मांस लेते हुए बाहर निकलेगा, जिस कारण कि आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इसकी फूंक हो, कभी आपको लगे कि इसने फूंक दिया है, तो दोस्तों उस जगह पे आप एंटीसेप्टिक सोप या साबुन से धो सकते हैं, फिर आपको कोई खतरा नहीं होगा। इसे हम लोग खोपड़ा के नाम से भी जानते हैं, मॉनिटर लिजर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, कहीं किसी इसे गोह बोला जाता है, हम लोग अपनी भाषा में इसे बिटगोह बोलते हैं। और दोस्तों, यह बहुत डरपोक प्राणी होता है, अक्सर इंसानों के आसपास दिखता तो है लेकिन इंसानों से दूरी बना के रखता है।
अगर इंसान को देख लेता है या कोई इंसान इसके आसपास जाता है तो सबसे पहले इसका मेन मुख्य काम भागना रहता है। ये इंसानों को देख के बहुत तेजी से भाग जाता है। दूसरी बात, अगर ये जीव आपके आसपास है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनसे आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। कभी भी अगर ये दिखे तो आप इसे वैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि यह नाले में फंसा हुआ था और लोग काफी भयभीत थे और हम कोबरा के रेस्क्यू के लिए आए थे, तो पाइप में जब हमें दिखा तो हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि वो सांप है या मॉनिटर लिजार्ड। तो उसके बाद फिर हमने इसका रेस्क्यू किया। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस बिग मॉनिटर लिजार्ड को रेस्क्यू करते हैं। आप देख सकते हैं ये अब काफी शांत हो गया है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, लेकिन अभी इसे कोई खतरा नहीं लग रहा है, जिस कारण से ये हम पर हमला नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हैं हमने इनके यहाँ पकड़ा है। आप बताइए, अपना परिचय दे दीजिए। ये हमारे घर में, मैं भजन सम्राट पंडित सुनील मिश्रा बोल रहा हूँ। आज निर्मल जी ने ये रेस्क्यू करके निकाले हमारे नाली से, ड्रेन से, बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा पुराना है, रहता तो बहुत छोटा छोटा देखे, लेकिन इतना बड़ा आज तक नहीं देखे हम। तो उम्मीद करते हैं, धन्यवाद निर्मल जी को कि इन्होंने जो है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और रेप्टाइल या स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब हम इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। चलिए साथियों, और आपने देखा छूटते ही इसने कितनी जोर से प्रतिक्रिया दिखाई। हम जैसा बताते हैं कि बहुत और ये अंदर बहुत बाइट ले रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, उसे भागे हुए ये जो है अंदर से बाइट लेने की कोशिश कर रहा था। देख सकते हैं ये मॉनिटर लिजार्ड, इसे अभी हम लोगों ने मुंगेर से पकड़ा है। काफी डरावना, काफी बड़ा और भयानक है। ये देख सकते हैं कितना बड़ा है, भयानक लग रहा है एकदम।